चैनल और मैं हूँ आरजे। आज डेट है जी 23/24/1/2023 और ये पहला महीना है 2023 का। माशाल्लाह से ये एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए। ये जनाब ये पेज केयर जो केज नंबर है 3 उसकी वीडियो बनाई जा रही है। ये फीमेल है जी आपके सामने माशाल्लाह से, और ये मेल है जो कि एक्स पे बैठा हुआ है। इसकी एक दो दफ़ा पहले भी वीडियो शेयर की जा चुकी है, जिसमें पिछली दफ़ा का इसका क्लच आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो कि चॉकलेट कलर का मेल था जो बहुत ही ह्यूज साइज़ में निकला था, और एक फीमेल थी जो कि येलो से कलर की थी। तो उन्हें एक अलग केज में छोड़ दिया है अब, ताकि वो थोड़े से और बड़े हो जाएँ, क्योंकि वो सेल्फ हो चुके हुए थे। और ये जनाब इसने दूसरी दफ़ा जो है वो एग दे दिए हैं, और ये दोनों ही फर्टाइल होंगे इंशाल्लाह। इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि ये फर्टाइल हैं या नहीं। ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि इसने एग दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। ये देखें जनाब, ये इसने एग्स दिए हुए हैं, और ये लगना इसमें दोनों एग्स दिए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फर्टाइल होंगे। अभी थोड़ी देर तक चेक भी करेंगे और आपके साथ इसका तो शेयर भी करेंगे कि ये फर्टाइल हैं या नहीं है। तो ये जनाब इस पेयर की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम हिस्ट्री मेंटेन कर सकें, और केज नंबर 3 की जो हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर करते रहें कि इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये आलमंड मेल है जो कि हेवी साइज़ में, इसकी टेल काटी गई है ताकि फर्टिलिटी रेशियो जो है वो ख़राब ना हो। तो चलें अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों एग्स फर्टाइल हैं या नहीं, इनकी आपके साथ पिक्चर शेयर कर देंगे। तो ये फीमेल है और ये मेल है, और इन्होंने दो एग्स दिए हैं और दोनों ही फर्टाइल हैं। ये हमने चेक कर लिए और आपके साथ शेयर भी कर दिए हैं। तो इस तरह से ये कामयाब ब्रीड लेने का प्रोसेस है, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि ये पेयर नंबर जो 3 है वो किस तरह चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो आगे जाके हमें किस तरह का रिज़ल्ट देगा, साल में कितनी प्रोडक्शन देता है। ये सारी चीज़ें जब एक नया फैंसियर या जो एक नया बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों को समझता है या देखता है, तो उसे हिस्ट्री की गाइडलाइन लेनी पड़ती है। तो वो हिस्ट्री हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है जो कि नए फैंसियर्स और नए बिजनेसमैन के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि हमने एक न्यू और यूनिक किस्म का स्टेप लिया है, जिसमें हम हर पेयर की हिस्ट्री मेंटेन करेंगे विद केज नंबर। तो जब हम केज नंबर के साथ इसकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह से आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये नहीं कि कोई बंदा ऐसे ही उठ के बता दे कि ये इस तरह इतने सालाना क्लच देता है और इस तरह ये प्रोडक्शन इसकी होती है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। वो तो सब कैलकुलेटेड हिसाब होता है, लेकिन रियल में जो होता है वो काफ़ी मुश्किलात आती हैं, और उसके बाद एक पेयर चल रहा होता है। तो वो जो मुश्किलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, और जो फिज़िकल रिज़ल्ट होगा ईच एंड एवरी क्लच का वो भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ये अभी मेल की ड्यूटी है, तो मेल जनाब बैठा हुआ है अंडों पे, और अभी थोड़ी देर बाद इनको दाने और पानी वगैरह डाल दिया जाएगा, तो फिर फीमेल भी अपनी ड्यूटी भी आ जाएगी। तो ये आपके साथ पेयर है जो कि जिसकी वीडियो बनाई जा रही है, और इसकी जो है वो शेयर कर दी जाएगी आपको केज नंबर 3 में प्ले लिस्ट में, जिससे जो है वो आसानी हो जाएगी किसी भी नए बंदे को इसे देखने के लिए कि ये पेयर किस तरह वर्क कर रहा है, और इसके पिछला क्लच किस तरह का था, इसने नए क्लच में किस तरह का कलर प्रोड्यूस किया है, और इस पेयर को इस तरह लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी बंदे के पास इस तरह का पेयर पड़ा भी हो तो वो सोच रहा हो कि ये किस तरह के बच्चे प्रोड्यूस करेगा। तो अगर जब हमारी वीडियो देखेगा तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये पेयर इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरह का साइज़ बना सकता है, और इस तरह के मफ इसके प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्पफुल होती हैं एक नए बंदे के लिए भी, और एक नया और जो पुराना ब्रीडर है उसके लिए भी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि उसे आइडिया हो जाता है कुछ नई चीज़ों का कुछ, क्योंकि जो एक पेयर है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करके दिखाता है आपको, अगर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन ना हो तो। ये
स्ट्रांग ब्लड लाइन नहीं है, जिसकी वजह से ये हमेशा आपको डिफरेंट कलर्स के जो है वो कलर प्रोड्यूस करके देगा। तो पहले क्लच में जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं कि इसने किस तरह के कलर्स प्रोड्यूस किए हैं, और दूसरे क्लच में भी इंशाल्लाह ये बन गई है एक वीडियो। इसके बाद जब ये बच्चे निकालेगा तो तब दिखाएंगे, और उसके बाद जब उसके कलर्स आ जाएंगे बच्चों को तो तब एक वीडियो बनेगी। तो ये इस तरह सेशन चलता है कि एक वीडियो उसके एज की तब बनती है जब वो एग्स देता है और उसकी फर्टिलिटी चेक कराई जाती है आपको उसके एज की। उसके बाद दूसरी वीडियो तब बनती है जब वो बच्चे निकाल लेता है, ताकि आपको पता चल सके कि जो दोनों एग्स या एक एग फर्टाइल हुआ था वो सेफ एंड साउंड हैच हो गया है या नहीं। तो उसके बाद तीसरी वीडियो तब बनती है जब बच्चों के फीडर्स आ जाते हैं, ताकि आपको दिखाया जा सके कि इस पेयर ने किस तरह का बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, और इसके कलर्स किस तरह के हैं, उनका साइज़ किस तरह का है, और आया कि ये पेयर सही चल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये तीन वीडियोस में एक केज की आपके साथ शेयर की जाती हैं, ताकि हर बंदे को आइडिया हो सके कि एक पेयर को किस तरह चलाना है। अगर कोई ड्यूरिंग इस तीन वीडियोस के तीन एग्जांपल्स के लिए तीन किस्तों के दरमियान अगर कोई पेयर को मसला आता है तो उसकी वीडियो एडिशनल बनाई जाती है और वो भी अपलोड की जाती है, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि इसके साथ इस मसले के साथ किस तरह पेश आया गया है, निपटा किस तरह गया है, किस तरह इसे रिजॉल्व किया गया है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदा चीज़ें हैं तो इनके मसले मसाइल क्रिएट होते ही रहते हैं, और हम उनके मसले मसाइल को हल करते रहते हैं और साथ में इनकी वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं, ताकि एक मुकम्मल हिस्ट्री मेंटेन हो सके। और जब भी कोई नया बंदा हमारे चैनल पे आए तो इस मुकम्मल हिस्ट्री को देखकर वो अपने शौक को शुरू कर सकता है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आएगा तो वो भी किसी भी केज की हिस्ट्री देख सकता है और आइडिया लगा सकता है कि सालाना इसकी प्रोडक्शन क्या है और ये किस तरह काम चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। और नए व्यूवर्स के लिए भी ये एक अच्छी खुशखबरी है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नई चीज़ें जो हैं वैसे सीख सकते हैं, और पुराने व्यूवर्स जो हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो हमें कुछ नई चीज़ें इसमें एडअप करवा सकते हैं विद कमेंट्स विद कॉल। तो इस तरह जो है हमारा भी सेटअप भी चलता रहेगा और नए लोगों का और पुराने लोगों का हमारे साथ अटैचमेंट बनती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।